ये आप देख सकते हैं, ये ठंडियानी का एरिया एबटाबाद में, और बहुत ही प्यारा व्यू है जी। अच्छा, जितने भी वीडियो देखने वाले दोस्त हैं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा भी प्रोग्राम है कि मैं खंजराब तक और स्कर्दू में जितने भी इलाके हैं जिनमें आई का स्नो पड़ी है, उन एरियों में जाके आपके लिए वीडियो बनाऊं, ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से होगा। दुआ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। ये मेरे दोस्त हैं जी मोहम्मद आकल साहब, ये भी घूमने फिरने के बहुत शौकीन है और वीडियो बनाने के, इन्होंने भी अपना चैनल बनाया अभी स्टार्टिंग में है, तो मैं इंशाल्लाह नीचे उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। और अभी मेरे तकरीबन 7,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज़्यादा हमें हौसला मिलेगा और हम आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। सुकून कितना है यहाँ पे देख लें, कोई शोर शराबा किसी गाड़ी का कुछ नहीं है, सिर्फ कौवों की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो स्नो लिपर्ड होता है, बर्फानी चीता, वो होता है। ये देख लें कितना प्यारा व्यू है, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। ये लोग तो स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत है, लेकिन आप अपने पाकिस्तान की खूबसूरती देखें, ऐसी खूबसूरती आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और वैसे भी 2020 तो सेहत के लिए पूरी दुनिया में नंबर वन हो गया है, देखें काफ़ी ऊपर चला गया है। अब अगर ये वापसी पे स्लिप हो गया तो फिर ये सीधा स्लिप होते होते नीचे ही आएगा, रास्ते में रुकने का कोई चांस नहीं है इसके लिए।